भैया भैया, आपके ठेले पे सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें कौन सी है और उसकी कीमत आप मुझे बताइए। सब सब कुछ थोड़ा थोड़ा बिक जाता है, जरूरत के हिसाब से लोग ले जाते हैं। ये मूंगफली, गजक, रबड़ी, पापड़, सबके अलग अलग रेट है। आप एक काम कीजिए, आपने पापड़ कितने के दिए? छोटे वाले 30 के और बड़े वाले 50 के। बड़े सस्ते रेट में बेच रहे हो भैया आप तो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कब से ये ठेले से सामान खरीदने लगे? तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे। साहब, सभी कहते हैं कि बहुत महंगा है, आप पहले आदमी हो जो कह रहे हो बहुत कम दाम है। देखिए भैया, शहर में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं लूंगा। मुझे आपसे ठेले से सबसे महंगी वाली चीजें चाहिए। आप बताइए कि इसकी कीमत कितनी होगी, क्योंकि मुझे किसी खास को देना है तो कीमत भी खास होनी चाहिए ना। तो साहब, मूंगफली 180 है तो आप उसके 200 दे देना, और पापड़ 50 है तो आप उसके 80 रुपये दे देना। आप बताओ आपको क्या चाहिए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास आपके ठेले का सामान जाने वाला है। साहब, वो तो अमीर लोग हैं, वो लोग इस ठेले का सामान क्यों खाएंगे? वो लोग तो किसी बड़ी दुकान से खाना लेते होंगे। आप क्यों गरीब से मजाक कर रहे हो? आप किसी अच्छे दुकान से उनके लिए सामान ले लीजिएगा। अरे भैया, वो अमीर है लेकिन वो दिल के एकदम सादे है। 1500 का तो वो लोग चॉकलेट ही खा लेते। तो आप बताइए, ये पापड़ का अब दाम कितना होना चाहिए? तब तो भैया इस पापड़ का दाम 1000 रुपये तो होना चाहिए। लगता है अब आप मेरी बात समझ गए। आप एक काम कीजिए, आपके पास जितने तरह के पापड़ है ना, आप सारे पैक कर दीजिए। ये लीजिए साहब, 3 तरह के पापड़ पैक कर दिए हैं मैंने। ये रहे आपके पैसे। साहब, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अरे कोई बात नहीं, इसे रख लो, चलो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। एक लड़के के रूप में आकर तूने मेरी इतनी मदद कर दी। अब मैं उसका सारा कर्जा उतार दूंगा और अपने बच्चे का इलाज भी अच्छे से करवाऊंगा। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या जो तुम पैसा ऐसे लुटा रहे हो? अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो मुझे दे देते। ये 50 रुपए का पापड़ तुम 1000 रुपए में उठा लाए। अब तुम्हें भी कोई ठेला लगाना है क्या? अरे ये सब क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुमने मुझे कभी पहले ऐसे करते हुए देखा है? मैं भला क्यों पैसे लुटाने लग गया? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? देखो, तुमने उस ठेले वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट देखा था ना, उसे सच में पैसे की जरूरत थी, और ये बात मुझे कल शाम को मालूम हुई। अबे उठ उठ साले, कहाँ भागता फिर रहा मुझसे? हाँ, जब तुझे पैसा लेना था तब तो तू मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, और अब जब देने की बात आई तो तू मुझसे मुँह बाता फिर रहा है। हाँ, कब देगा पैसे मेरे, कब देगा? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। वो मेरा बच्चा बीमार था इसलिए आपके पैसे नहीं दे पाया। जितना कमाता हूँ सब उसके इलाज में लग जाता है। मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगा। और कितने टाइम चाहिए थे तुझे? 6 महीना तो पहले हो चुका है, कब देगा मेरे पैसे? और बच्चे का तो तूने बहुत ही अच्छा बहाना लगाया। देख, बच्चा जिए या मरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए, समझा? चल। ये तो कभी भी याद रखेगा अपने पैसे लेने। हे भगवान, इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे करूंगा मैं? अगर इसने मेरा दुकान हटा दिया तो इतनी जल्दी मुझे दूसरा काम भी नहीं मिलेगा, और मेरा बच्चा भी बिना इलाज के कितना दिन तक रह पाएगा? हे भगवान, सब कुछ आपके ही ऊपर है, आप जो करोगे ठीक ही करोगे। सुनो, किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें उसकी मदद करनी थी तो तुम उसको पैसा डायरेक्टली जाकर दे देते। ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि वो गरीब है, भिखारी नहीं। वो ऐसे कैसे किसी अनजाने से पैसे ले लेता? और उस लड़के ने उसे इतना मारा था, वो किसी से उधारी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी उसने वो सामान बेच के वो पैसा कमाया है, तो
करोड़ पैसे उसके हुए। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं भी उससे थोड़ा बहुत कुछ खरीद लेती। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम उस ठेले से सारा सामान ही खरीद लेती। चलो